तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर यूपी लेखपाल भर्ती 2021 के हमारे जितने भी छात्र हैं उनके लिए। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। लेखपाल भर्ती 2021 की जो आवेदन आखिर कब से होंगे, काफ़ी सारे कैंडिडेटों का कमेंट भी आ रहा था और आज की इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाली है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस वीडियो ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आता है उसको भी ऑन कर लीजिएगा ताकि अगर आगे से कोई भी बड़ी अपडेट आए यूपी लेखपाल भर्ती 2021 से संबंधित आप सभी तक सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट पहुंचाई जा सके। और दोस्तों आप लोग जानते होंगे काफ़ी टाइम हो चुका है आवेदन आप सभी का, सबसे पहले तो आपका पीईटी होना है, ठीक है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी लेखपाल भर्ती में। और काफ़ी कुछ चेंजमेंट इस बार आप सभी को देखने को मिल सकता है। सबसे पहला चेंजमेंट हमने आपको बता ही दिया था कि इस बार हिंदी का जितना वेटेज होगा उतना ही इंग्लिश का वेटेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लेखपाल भर्ती जो हमारे जितने भी लेखपाल भर्ती कैंडिडेट हैं काफ़ी ज़्यादातर कैंडिडेट हिंदी मीडियम से भी आते हैं, ठीक है। इस कारण दोस्तों इंग्लिश अगर जुड़ जाएगा तो उनका समझे कि बहुत पीछे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के कैंडिडेट होंगे वो तो अपना इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म करके आगे मेरिट में निकल जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट इसमें थोड़ा डाउट फील कर रहे थे, ठीक है, इसमें कहते कि इंग्लिश इस बार नहीं अगली बार भले ही कर देते अगर ये लोग पहले बताते हैं, ठीक है, एक दो साल पहले कि हाँ इस बार इंग्लिश आने वाली, क्योंकि लेखपाल भर्ती जो ये आ रही है इसकी तैयारी कैंडिडेट पिछले 1 से 1.5 साल से कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश पर भी एक सवाल खड़े उठ रहे हैं, प्लस यहाँ पे लेखपाल भर्ती के पीटी से रिलेटेड भी अपडेट आ रही है वो भी बताएंगे। और आप लोग अगर यूपी टीएससी पीटी की तैयारी करना चाहते हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर कोई अच्छा सा बैच कोर्स बताएं जो यूपी टीएससी पीटी का हमारा पूरा सिलेबस अच्छे से करा पाए, ठीक है। तो आपको बता दें आप सभी के लिए अनएकेडमी अपने बेस्ट एजुकेटर के पूरा टीम लेकर आ चुका है। यूपी टीएससी पीईटी कंप्लीट कोर्स ये आपका 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 10 जुलाई तक चलने वाला है, ठीक है। जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं आप लोग इस बैच कोर्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको हर सब्जेक्ट के बेस्ट एजुकेटर इस बैच कोर्स में मिलने वाले हैं। वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें हमने पूरी डिटेल्स आप सभी को दे रखी है, आप लोग एक बार और चेकआउट कर लें। और ये कोड अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं ABHAY10, ठीक है, तो आपको वहाँ पर अधिक से अधिक डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जितने भी हमारे कैंडिडेट यूपी टीएससी पीईटी का कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग एक बार पूरा कोर्स कर लीजिए इसके बाद सेल्फ स्टडी करिए तो दोस्तों वो बात अलग रहती है, ठीक है। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा समझे कि बेनिफिट होगा इस बैच कोर्स से। वीडियो के ठीक नीचे पूरी डिटेल्स दी हुई है, एक बार चेकआउट जरूर कर लें, ठीक है। चलिए वीडियो का आगे बढ़ाते हैं, यूपी टीएससी पीटी से रिलेटेड जो भी अपडेट आ रही है वो भी बताते हैं, क्योंकि अधिकतर कैंडिडेटों को ये भी सवाल था कि ये जो वैकेंसी है ये दोस्तों अब जुलाई 2021 में ही आ पाएगी, अभी इसके अभी पंचायती चुनाव होने हैं, इसके बाद बोर्ड के एग्जाम होने हैं, ठीक है। तो COVID-19 भी आज अखबार में आया था, COVID-19 काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं और जो भी अपडेट आई आपको बताते हैं पूरी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं यूपी टीएससी लेखपाल भर्ती की, आप लोगों को बता दें आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। हमारे जितने भी लेखपाल भर्ती 2021 के कैंडिडेट हैं राजस्व विभाग वैकेंसी जो है अब आप सभी को बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकती है। आप लोगों को बता दें सभी यूपी टीएससी ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी कि परीक्षा जो है पीटी की परीक्षा अनिवार्य हो गई है। यूपी लेखपाल रिक्त भी ग्रुप सी प्रकार के पदों के तहत आती है, ठीक है, इसलिए ये उम्मीद है कि पीईटी ऑनलाइन फॉर्म जारी किया जाएगा, ठीक है, फिर लेखपाल भर्ती अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी, यानी कि आप सभी को सबसे पहले जो है पीईटी का प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन आएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं मई में इसके एग्जाम होने, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्च के लास्ट तक, ठीक है, या आपके जो अप्रैल है, ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ही आप सभी का पीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और बात रही लेखपाल भर्ती की तो आपको बता दें बाद में आप सभी का लेखपाल भर्ती का फॉर्म जारी किया जाएगा, सबसे पहले आपका प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी कि पीईटी का जो है नोटिफिकेशन जारी होगा। सबसे पहले आप लोग यही समझ लीजिए, ठीक है, सबसे पहले आपका पीईटी का नोटिफिकेशन, इसके बाद आपका जब पीटी हो जाएगा ना मई में, इसके बाद आपका लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो काफ़ी बड़ी अपडेट थे, हमारे जितने भी यूपी लेखपाल भर्ती के कैंडिडेट थे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा या पीटी का आएगा, ठीक है। तो आपको बता दें आपका पहले पीटी का आएगा, पीटी का एग्ज़ाम मई में हो जाने के बाद आपका जो मई के बाद आपका जून या जुलाई में आप सभी का जो है लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।